Okay, any question from the previous class? Agar koi question ho to pooch le. Nahi hai. Acha ji. और भी है मेरे ख्याल में पेंट में भी कर सकते हैं मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन होगा क्योंकि इमेज हाँ वो तो असल में हाँ पीडीएफ वो फोटोशॉप का पहले टीजी है वो इलस्ट्रेटर में भी हो सकता है उसमें तो डालना पड़ेगा वो पता नहीं इस विंडो में सेव नहीं होता मतलब आप राइट क्लिक करके अगर रोटेट करते हैं तो वो सेव नहीं होता पहले होता था विंडो 7 में अच्छा स्टार्ट और अवेक में क्या फर्क था याद है अवेक पहले कौन से कर स्टार्ट बार में जी और दूसरे अच्छा अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी गेम ऑब्जेक्ट के साथ यही स्क्रिप्ट लगाए जिसमें स्टार्ट और अवेक दोनों है अगर रन टाइम में स्टार्ट उस गेम ऑब्जेक्ट को डिसेबल और इनेबल करूं तो वो स्टार्ट और अवेक बार बार कॉल होगा कि नहीं फॉर एग्जांपल मैन कैमरा है आपका ठीक है और मैंने गेम रन की है मैंने प्ले बटन हिट कर ली ठीक है अभी इसको मैं रन करने के बाद कभी इनेबल कर रहा हूं और कभी डिसेबल कर रहा हूं कभी इनेबल कर रहा हूं कभी डिसेबल तो स्टार्ट और अवेक फंक्शन कितनी दफा एक बार ठीक है मतलब स्टार्ट और अवेक फंक्शन सिर्फ एक ही दफा कॉल होंगे चाहे आप जितनी दफा भी इसको इनेबल डिसेबल पर करें ठीक है अच्छा आज हम देखेंगे कि कुछ और फंक्शंस आज हम पढ़ेंगे जैसे अपडेट फंक्शन ठीक है अपडेट फंक्शन फिक्स्ड अपडेट लेट अपडेट ऑन इनेबल ऑन डिसेबल ठीक है और कुछ हम थोड़ा सा वो सिंटैक्स देखेंगे सी शार्प का कि इसके अंदर आप वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और प्रिंट वगैरह कैसे कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं अपडेट फंक्शन जिस तरह कल हमने अच्छा किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो पूछा करें ठीक है मतलब क्लियर किया करें खुद को अच्छा स्टार्ट और अवेक फंक्शन सिर्फ एक ही दफा कॉल होते थे वन टाइम कॉल एग्जीक्यूशन ऑर्डर अवेक पहले कॉल होता था स्टार्ट उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ गेम ऑब्जेक्ट स्टार्ट और अवेक सिर्फ एक ही दफा कॉल होते थे उसके अलावा अवेक अगर स्क्रिप्ट आपका डिसेबल भी होता था तो तब भी आपका अवेक काम करता था अभी अपडेट फंक्शन क्या होता है अपडेट फंक्शन अच्छा फ्रेम्स का आइडिया है मतलब कोई वीडियो अगर हम प्ले करते हैं तो वीडियो में नॉर्मली क्या होता है वीडियो में नॉर्मली फ्रेम्स कैप्चर हो रही होती है और वो फ्रेम्स ही आपको वो दिखा रहे थे अगर मैं कह दूँ कि किसी वीडियो का FPS है 30 फ्रेम्स पर सेकेंड तो 30 फ्रेम्स पर सेकेंड का मतलब क्या है कि एक सेकंड में वो 30 फ्रेम्स आपको दिखा रहा होता है ठीक है गेम में भी इसी तरह होता है ठीक है ठीक अच्छा किसी मतलब गेम में भी नॉर्मली यही होता है कि आपका जो गेम होता है वो भी एक वीडियो की तरह काम करता है मतलब उसमें भी फ्रेम्स ही कैप्चर हो रही होती है अगर मैं कह दूं कि एक गेम है उसका FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकंड FPS इसको नॉर्मली कहते हैं हम गेम के टर्म्स में FPS फॉर एग्जांपल मैं कह दूं कि एक गेम है उसका 10 FPS है ठीक है और दूसरा गेम है उसका FPS 60 है तो आपके ख्याल में कौन सा गेम मतलब ऑप्टिमाइज होगा कौन सी गेम अच्छी चलेगी 60 सोचे खैर 61 मतलब exactly अगर फ्रेम्स पर सेकंड जितने ज्यादा कैप्चर हो रहे होंगे उसका मतलब है कि वो गेम उतनी ही तेज चलती है उतनी ही मतलब अगर एक वीडियो है फॉर एग्जांपल उसमें मैं 10 फ्रेम्स आपको दिखाऊं पर सेकंड तो उसमें आपको वो जर्क्स
फील हो रहे होंगे. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 fps की कोई वीडियो प्ले करूं तो 5 फ्रेम्स अगर मैं पर सेकंड आपको दिखा रहा हूं तो उसका मतलब यह है कि उसमें आपको कुछ चेंज ही नजर नहीं आएगा. इतना वो जर्क्स आपको अगर कोई चेंज आ भी जाए तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये एक इमेज थी और उसके बाद दूसरी इमेज नजर आ गई. कौन सी वाली? नहीं, 60 वाली हैवी नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल एक गेम है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, तो वो कैमरे को कैप्चर करने में मतलब किस चीज कौन सी चीज आसान होगी, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स या बहुत कम ऑब्जेक्ट्स? मतलब जितने ही डिटेल्स कम होंगे आपके गेम में तो उतने ही मतलब कैमरे के लिए आसानी होगी कि वो चीजों को ज्यादा कैप्चर करे, तो उसकी वो फ्रेम को कैप्चरिंग की कैपेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, तो वो फिर पर सेकंड मतलब कभी कभी 120 से भी ज्यादा फ्रेम्स कैप्चर कर लेता है. जितनी मतलब जितने आपके ऑब्जेक्ट्स कम होते हैं उतने ज्यादा कैमरे को रीड करने के लिए आसानी होती है, मतलब कैमरा रीडिंग वो आसान हो जाती है. तो मतलब जितने ही गेम में डिटेल्स कम होंगे वो कैमरा आसानी से कैप्चर कर लेता है. कल जब मैं ये व्हाट चीज को ये कम कर रहा था ना, हाँ, ये FPS ज्यादा हो रहा था. एग्जैक्टली यही मैं बता रहा हूँ कि FPS ज्यादा कब होता है, जब आप डिटेल्स को कम कर लेते हैं, और जब डिटेल्स को कम करते हैं और FPS ज्यादा हो जाता है तो गेम ऑप्टिमाइज हो जाती है. नॉर्मली हमारा टारगेट क्या होता है मोबाइल गेम्स में, कि हम मोबाइल में गेम चेक करते हैं, अगर मोबाइल में FPS हमारे पास 30 तक या 40 तक आ रहा है तो बस वो गेम ठीक चलती है हम मोबाइल में, ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ याद रखें कि FPS जो है ये डिवाइस डिपेंडेंट चीज़ है. मतलब अगर आप एक गेम को PC पे रन करते हैं या कंसोल पे या PS4 पे रन करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. मतलब कंसोल स्पेशली या PS4 स्पेशली इसी चीज़ के लिए बना होता है, और अगर आप उसी गेम को मोबाइल पे रन करना चाहें तो मोबाइल आपको आपका नहीं रन कर सकता. तो FPS जो है वो PS4 में बहुत ज़्यादा देगा आपको, PC में बहुत कम देगा, फिर मोबाइल में बिल्कुल वो चलेगा ही नहीं. इसी तरह अगर कोई गेम आप यूनिटी में बनाते हैं तो वो PC में आपको 1 FPS देगा, मतलब PC में फॉर एग्जांपल आपको 20 FPS दे रहा है, वही गेम आप जब मोबाइल में डालेंगे तो मोबाइल में वो FPS कम देगा, ठीक है. और फिर मोबाइल्स में भी डिफरेंट मोबाइल्स होती है, मतलब एक हाई एंड मोबाइल होगा उसमें FPS अच्छा होगा, दूसरा अगर सैमसंग S3 में आप चेक कर रहे हैं तो FPS उसमें बहुत कम आता है, मतलब उसमें गेम काफ़ी लैग कर रही होती है. तो FPS जो आपका फ्रेम्स पर सेकंड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वो आपके डिवाइस पे डिपेंड करता है, प्रोसेसिंग स्पीड पे डिपेंड करता है. जितनी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही आपका FPS ज़्यादा होगा, और जब FPS ज़्यादा होगा तो आपकी गेम मतलब तेज चलेगी, सही चलेगी. गेम में ज़्यादा डिटेल्स मतलब जैसे मैंने बताया कि कैमरा भी एक्चुअली क्या करता है, चीज़ों को रीड करता है, तो अगर आपने बहुत सारी चीज़ें रखी है सीन में तो ज़्यादा चीज़ें रीड करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है. तो यही वजह होती है कि जितनी कम डिटेल्स डालेंगे उतना ही कम उसका वो आएगा. तो जिस तरह में शॉट में हाई क्वालिटी पिक्चर डालते हैं तो ट्रैकिंग वो इसके अलावा स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग से भी गेम बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं गेम की FPS, ठीक है. मतलब गेम बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है अगर आप प्रोग्रामिंग में उसका ख्याल ना रखें FPS का. ये आगे हम देखेंगे कि ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग हम कैसे करते हैं यूनिटी के अंदर. अच्छा, तो FPS की समझ आ गई कि FPS क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकेंड. अच्छा, बाज लोग कहते हैं कि अगर मैं यूनिटी में देखूं तो यहाँ पे आप ये FPS देख रहे हैं 183 है अभी करंट. 183 क्यों है, क्योंकि अभी करंट सीन में कुछ है ही नहीं. तो अभी अगर इस गेम को मैं प्ले करूँ तो ये क्या करेगा, ये मतलब मुझे अभी मुझे ये तकरीबन इतना FPS दे रहा है, तो ये इतने फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है पर सेकंड, ठीक है. अभी इस सीन में बहुत लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर स्टैटिक सीन है तो वो तो एक ही फ्रेम होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, ये इंटरनली कैप्चरिंग हो रही होती है. अगर आपके सीन में कुछ मूव कर रहा है या कोई चीज़ मूव नहीं भी कर रही तो आपके वो फ्रेम्स एक्चुअली कैप्चर हो रहे होते हैं. तो अभी इसका FPS ये है, तो इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में इतने फ्रेम्स कैप्चर हो रहे हैं. तो हम अभी आते हैं अपडेट फंक्शन पे, कि अपडेट फंक्शन कैसे काम करता है.
जैसे मैंने बताया था कि स्टार्ट फंक्शन को हम कॉल नहीं करते, वो यूनिटी खुद कॉल करता है, अवेक फंक्शन भी यूनिटी खुद कॉल करता है, सिमिलरली अपडेट जो फंक्शन होता है वो भी यूनिटी खुद ही कॉल करता है। वो कब कॉल होता है? वो एवरी फ्रेम, मतलब जो भी फ्रेम आता है उसके स्टार्ट में आपका अपडेट फंक्शन कॉल हो जाता है। तो अगर मेरा FPS फॉर एग्जांपल 90 FPS है तो ये पर सेकंड कितनी दफा कॉल होगा? 90 फ्रेम्स पर सेकंड, मतलब 90 दफा कॉल होगा। अगर FPS मेरा 100 फ्रेम्स पर सेकंड है तो ये 100 दफा कॉल होगा अपडेट फंक्शन। और ये किस तरह काम करता है? फॉर एग्जांपल ये आपके फ्रेम्स है, जैसे ही नया फ्रेम आता है उसके स्टार्ट में आपका अपडेट फंक्शन कॉल हो जाता है। मतलब हर एक फ्रेम के स्टार्ट पे, मतलब फ्रेम रेंडर होने से पहले आपका अपडेट फंक्शन कॉल हो जाता है। ठीक है, मतलब जो भी नया फ्रेम ये कैप्चर करता है उससे पहले ये अपडेट फंक्शन कॉल कर लेता है यूनिटी। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि ये कैसे हर एक फ्रेम पे कॉल होता है। यहां तक समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट क्रिएट करता हूँ, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसको हम नाम देते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट, और इसको कैमरा के साथ अटैच कर लेते हैं। स्क्रिप्ट को मैं एडिट करता हूँ और इसमें हम देख लिखते हैं अपडेट के अंदर। नजर आ रहे हैं? अच्छा, ये स्टार्ट फंक्शन फिलहाल हटा देंगे और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिबग डॉट लॉग, और इसमें लिख लेते हैं अपडेट। अच्छा, अगर इसको मैं रन करूँ और कंसोल पे देखूँ तो अच्छा, इसको मैंने रन किया, ये आप देख रहे हैं ये बार बार प्रिंट हो रहा है ये अपडेट। ये क्यों? क्योंकि ये FPS, मतलब FPS के साथ जितना आपका FPS होगा उतना ही पर सेकंड ये फंक्शन काम करेगा। अभी FPS 120-130 में जा रहा है तो ये आप एज्यूम कर ले कि ये 130 टाइम्स या 120 टाइम्स एक सेकंड में कॉल हो रहा है। ठीक है, अभी वही स्टार्ट क्या कर रहा था, अवेक क्या कर रहा था, वो सिर्फ एक दफ़ा प्रिंट होके ख़त्म हो जाता था। ये वो मैंने कोलैप्स हटा दिया, ये देखे अभी कोलैप्स कर दिया तो वो आप देख रहे हैं कि वो मतलब बार बार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा वो मतलब इसकी समझ आ गई कि अपडेट मतलब हर फ्रेम के साथ अपडेट कॉल होता है। मैं बताता हूँ, मैंने बहुत स्टार्ट क्लास में आपको वो गेम का स्ट्रक्चर बताया था कि हमारे गेम में फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर उसकी उसके बाद एक लूप टाइप चल रहा होता है, तो वो लूप टाइप मतलब यही चीज़ होती है अपडेट फंक्शन। ठीक है, मतलब ये बार बार कॉल होता है और ये तब तक कॉल होता है जब तक आपका गेम आपने गेम प्ले किया होता है। अच्छा, इसके बाद एक और फंक्शन है लेट अपडेट। तो अपडेट फंक्शन तो मैंने कहा कि ये हर एक फ्रेम के स्टार्ट में कॉल होता है, लेट अपडेट फंक्शन भी हर एक फ्रेम, मतलब वो भी फ्रेम डिपेंडेंट फंक्शन होता है, लेकिन वो फ्रेम कैप्चर होने के बाद कॉल हो जाता है। मतलब हर एक फ्रेम के एंड पे आपका लेट अपडेट कॉल होता है। फ्रेम कैप्चर होने से पहले अपडेट कॉल हो जाता है और उसके बाद जब फ्रेम ख़त्म हो जाता है कैप्चर होना तो उसके बाद आपका लेट अपडेट कॉल हो जाता है। तो मतलब इसको भी अगर हम इसके अंदर लेट अपडेट के अंदर कोई स्टेटमेंट लिखे तो वो भी इसी तरह बार बार प्रिंट होगा, आपको कोई नज़र कोई डिफरेंस नज़र नहीं या मतलब नोट नहीं कर पाएंगे आप कोई डिफरेंस। लेकिन इसका मैं डिफरेंस बता देता हूँ, एक तो ये डिफरेंस है कि ये हर फ्रेम कैप्चर होने के एंड में कॉल हो जाता है। इसका फायदा क्या होता है, मतलब इतना हम क्यों मतलब दो फंक्शंस को डिफाइन करने की क्या जरूरत थी कि एक को फ्रेम कैप्चर होने से पहले इन्होंने रखा है और एक फ्रेम कैप्चर होने के बाद। यूनिटी के अंदर याद रखें कि हर एक फंक्शन एक खास यूज के लिए यूज होता है, मतलब उसका एक खास यूज होता है। अभी ये आप जो मैन कैमरा देख रहे हैं, इस मैन कैमरा का काम क्या होता है?
इसका काम यह होता है कि ये हर एक फ्रेम को कैप्चर करता है. ये FPS जो हम देख रहे हैं ये हमें ये कैमरा ही प्रोवाइड करती है, मतलब कि ये कैमरा कितने फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है. अभी कैमरा पे ये एक बर्डन आ गया कि ये क्या करता है, ये हर एक फ्रेम को कैप्चर करता है. अभी कैमरे से रिलेटेड जितनी भी कोडिंग होती है, फॉर एग्जांपल मैं कैमरा का ये फार व्यू चेंज करता हूँ कोड से, या फील्ड ऑफ व्यू चेंज करता हूँ, ये कैमरे पे कोई और चीज़ रेंडर करना चाहता हूँ, तो कैमरे से रिलेटेड अगर सारी कोडिंग मैं अपडेट में करूँ तो क्या होगा. फॉर एग्जांपल कैमरे का एक ये काम था कि इसने एक कैप्चर करना था फ्रेम को. अगर इस पे जो काम है वो अपडेट के अंदर, मतलब कैमरे से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है वो मैं अपडेट के अंदर लिखूं, ठीक है, तो अपडेट क्या करता है, वो हर एक फ्रेम को कैप्चर होने से पहले, हर एक फ्रेम कैप्चर होने से पहले अपडेट फंक्शन कॉल हो जाता है. तो अगर कैमरे के साथ जो फंक्शनैलिटी है वो मैं अपडेट में लिख दूं तो कैमरे पे एक और भी बर्डन आ जाएगा, मतलब एक स्टार्ट से हम एक और भी बर्डन डाल देते हैं कि तुम ये फंक्शन भी एग्जीक्यूट करो. उसके बाद वो क्या, ये फ्रेम कैप्चर करना भी उसका एक रोल है, तो उसमें बर्डन बढ़ जाता है. तो कैमरे से रिलेटेड जितनी भी कोडिंग होती है वो हम नॉर्मली क्या करते हैं, वो हम लेट अपडेट में कर लेते हैं. तो लेट अपडेट से क्या फायदा होता है, लेट अपडेट से ये फायदा होता है कि कैमरे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फ्रेम कैप्चर करना, वो ऑलरेडी कैप्चर कर लेता है, उसके बाद लेट अपडेट कॉल होता है, तो उसका जो स्पॉट होता है लेट अपडेट का वो उसके अंदर वो कैलकुलेशन हो जाती है, ठीक है, मतलब वो अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर लेता है, उसके बाद वो लेट अपडेट फंक्शन कॉल हो जाती है, तो उससे गेम में वो लैग कम आ जाता है, मतलब गेम आपकी ऑप्टिमाइज हो जाती है, ठीक है. और लेट बस इसी तरीके से, मतलब यही कैमरे से रिलेटेड जितनी भी कोडिंग होती है वो हम नॉर्मली लेट अपडेट में करते हैं, बस ये याद रखें फिलहाल, ठीक है, ये और भी क्लियर हो जाएगा आगे जब हम देखें. अच्छा एक ये तो हमने अपडेट देखा था, अभी अगर इसी को मैं लेट अपडेट कर दूं, या मैं लेट अपडेट के लिए एक और फंक्शन डिफाइन कर लेता हूं, ये इसका स्पेलिंग इसी तरह लिखना होगा आपको क्योंकि ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है, और इसमें मैं लिख लेता हूं लेट अपडेट. अगर हम इसको प्ले करके देखें तो ये देखे अपडेट फंक्शन पहले कॉल होता है फिर उसके बाद लेट अपडेट फंक्शन कॉल होता है. बस इससे भी आपको तकरीबन पता चल रहा होगा कि ये मतलब अपडेट हर एक फ्रेम के स्टार्ट में कॉल होता है और लेट अपडेट उसके बाद फ्रेम को कैप्चर करने के बाद कॉल होता है. अच्छा एक और फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस की समझ आ गई. एक और फंक्शन है फिक्स्ड अपडेट. जी अपडेट को भी यूज करते हैं, लेट अपडेट को भी, लेट अपडेट को सिर्फ उस टाइम जब आप कैमरे से रिलेटेड कोई कोड करना चाहते हैं. अच्छा एक और चीज है फिक्स्ड अपडेट, एक और फंक्शन है फिक्स्ड अपडेट. फिक्स्ड अपडेट जो है ये फ्रेम पे इंडिपेंडेंट है, मतलब फ्रेम इंडिपेंडेंट फंक्शन है. अच्छा फ्रेम पे इंडिपेंडेंट कैसा है, फॉर एग्जांपल अपडेट, हम अपडेट में कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं एक क्यूब है और उसकी पोजीशन मैं बार बार चेंज कर रहा हूँ अपडेट फंक्शन में. फॉर एग्जांपल पहले फ्रेम में इसकी पोजीशन 1 यूनिट थी, फिर आपने 2 यूनिट शिफ्ट कर दिया इसको, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट पर शिफ्ट कर दिया, ठीक है. तो अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा केस आ गया कि उसमें कैरेक्टर आपका मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन आप अपडेट कर रहे हैं और उसकी कोडिंग आपने अपडेट फंक्शन के अंदर, वो पोजीशन अपडेशन का जो कोड है वो आपने अपडेट फंक्शन के अंदर किया है, और आपके सीन में और भी बहुत ऑब्जेक्ट्स है तो आपका FPS कम होगा. फॉर एग्जांपल आपका FPS गिर गया 5 तक, तो फिर क्या होगा, वो कैरेक्टर की जो पोजीशन अपडेट होगी वो आपको जर्क्स की तरह, मतलब एक फ्रेम में इधर होगा दूसरे फ्रेम में वो आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि वो मतलब शिफ्ट हो गया डायरेक्ट, वो स्मूथ
वो ट्रांजिशन नहीं होगी उसके अंदर। वो क्यों FPS गिर गया? अभी उस टाइम पे आपको जरूरत किस चीज की होगी कि आपको यूनिटी कोई ऐसा फंक्शन प्रोवाइड करे जो कि FPS पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है? और आप चाहते हैं कि एक खास टाइम बाद बस उसकी पोजीशन अपडेट हो, मतलब टाइम डिपेंडेंट आप उसको कर दें। तो टाइम डिपेंडेंट कौन सा फंक्शन होता है? टाइम डिपेंडेंट आपका फिक्स्ड अपडेट होता है। फिक्स्ड अपडेट में जो भी कोड आप लिखते हैं वो एक खास टाइम के बाद वो कोड एग्जीक्यूट होगी, और वो टाइम क्या होता है? वो बाय डिफॉल्ट 0.02 सेकंड्स होता है। मतलब हर एक 0.02 सेकंड्स बाद आपका वो फिक्स्ड अपडेट फंक्शन के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है? तो फिक्स्ड अपडेट के अंदर एक याद रखें कि फिक्स्ड अपडेट जो है वो फ्रेम इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है, और दूसरा कि ये टाइम डिपेंडेंट फंक्शन होता है। और ये कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट होता है फिक्स्ड अपडेट? वो 0.02 सेकंड बाद। मतलब इसमें तो कैप्चर हो रहा है ना, तो फिर इंडिपेंडेंट किस तरह? हां फ्रेम में तो मतलब ये फंक्शन आपका जो कॉल हो रहा है, ये फंक्शन इसमें जो भी कोडिंग आप कर रहे होंगे वो हर 0.02 सेकंड बाद वो कोडिंग एग्जीक्यूट होगी। फ्रेम के साथ क्या मसला था कि अपडेट के अंदर जो कोड आप लिखते थे वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब आपका फ्रेम कैप्चर होगा, ठीक है? मतलब एक फ्रेम डिपेंडेंट काम कर रहा है और एक टाइम डिपेंडेंट। मतलब इसमें जो भी कैलकुलेशन आप करेंगे वो सारी कैलकुलेशन आपकी एक खास ड्यूरेशन के बाद होगी, एक खास टाइम के बाद होगी। अपडेट में जो भी कैलकुलेशन आप करते हैं वो फ्रेम के साथ रिलेटेड होगी। मतलब अगर आपका फ्रेम कैप्चर हो रहा है तो आपकी वो कैलकुलेशन होगी, अदरवाइज वो कैलकुलेशन नहीं होगी। अभी इसको हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हम इन दोनों को फिलहाल कमेंट कर लेते हैं, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा void fixed update, ठीक है? fixed update के अंदर मैं सिर्फ ये टाइम देखना चाहता हूँ कि ये कितने टाइम बाद कॉल होता है। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ debug.log, और इसको मैं दे दूंगा time.deltaTime। अच्छा, ये time.deltaTime क्या करता है ये मैं पहले इसको रन करते हैं फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या करता है। अच्छा, इसको अगर हम रन करके देखें तो ये आप देख रहे हैं मुझे 0.02 बार बार ये प्रिंट करके दे रहा है। मतलब ये फंक्शन हर 0.02 सेकंड बाद कॉल होता है। अगर इसी कोड को मैं अपडेट के अंदर लिखूं, यहाँ से हटाता हूँ कंट्रोल सी, ये टॉगल कर लेता हूँ और अपडेट के अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ। मतलब टाइम डॉट डेल्टा टाइम को मैं अपडेट के अंदर लिखता हूँ तो ये क्या करेगा? ये आपको वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन नहीं बताया देगा। मतलब ये वेरी कर रहा है ये टाइम। ये क्यों वेरी कर रहा है? क्योंकि आपका FPS यहाँ पे वेरी हो रहा है, तो मतलब ये फ्रेम पे डिपेंडेंट है अपडेट फंक्शन। तो अपडेट फंक्शन के अंदर जो भी आप लिखते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक खास टाइम के बाद वो काम होगा, वो मतलब टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपका FPS कम होगा तो ये टाइम और भी ज़्यादा होगा, ठीक है? अभी टाइम डॉट डेल्टा टाइम क्या कर रहा था? टाइम डॉट डेल्टा टाइम ये कर रहा था कि ये हमें दो इंस्टेंस के दरमियान टाइम डिफरेंस बताता है। डेल्टा क्या होता है? चेंज, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये आपका पहला फिक्स्ड अपडेट कॉल हो गया यहाँ पर, फिर आपका दूसरा फिक्स्ड अपडेट कॉल हो गया, तो इन दोनों के दरमियान जो टाइम डिफरेंस है T1 T2, तो ये T2 - T1 का जो डिफरेंस है वो हमें दे देता है वो टाइम डॉट डेल्टा टाइम, ठीक है? मतलब पहली दफ़ा फिक्स्ड अपडेट यहाँ पे कॉल हो गया, फिर दूसरी दफ़ा यहाँ पे कॉल हो गया, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस था वो हमें टाइम डॉट डेल्टा टाइम वो रिटर्न करता है, ठीक है? इसमें कोई इशू तो नहीं है। FPS मतलब अपडेट के अंदर जो भी आप कोडिंग करते हैं तो वो FPS को इफेक्ट करता है ज़रूर, क्योंकि जो जितनी ज़्यादा कोडिंग आप करेंगे उतना ही FPS कम हो जाएगा। मतलब वो कैलकुलेशन आप अगर बढ़ाएंगे तो वो FPS आपका कम होता है। अच्छा, फिक्स्ड डेल्टा टाइम फिक्स्ड अपडेट लेट अपडेट इसकी समझ आ गई?
अभी एक दो फंक्शंस और हैं वो देख लेते हैं, ये हटा देते हैं फिलहाल। अच्छा ये अपडेट फिक्स्ड अपडेट, अगर आपका गेम ऑब्जेक्ट डिसेबल है तो ये भी ये काम नहीं करेंगे, अगर स्क्रिप्ट डिसेबल है तब भी ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। एक और फंक्शन है ऑन इनेबल, वॉइड ऑन इनेबल, इसमें मैं लिख दूंगा डिबग डॉट लॉग, इनेबल। अच्छा अगर इसको मैं रन करूं और इसको हम देखें तो यहाँ पे इनेबल्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर इसको मैं क्लियर करूँ, अभी प्रोजेक्ट रन है, मतलब गेम मैंने रन की है, गेम रन होने के दौरान अगर इसको मैं डिसेबल करूँ और फिर से इनेबल करूँ तो फिर ऑन इनेबल्ड कॉल हो जाएगा। अगर फिर मैं इसको डिसेबल करूँ फिर इनेबल करूँ तो फिर इनेबल फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो ये इनेबल्ड फंक्शन कब कॉल होता है, जब भी आपका कोई गेम ऑब्जेक्ट इनेबल होता है तो तब इनेबल ऑन इनेबल फंक्शन कॉल होता है। मतलब गेम ऑब्जेक्ट कोई भी इनेबल होता है तो आपका ऑन इनेबल्ड फंक्शन कॉल हो जाता है। इसी तरह एक और फंक्शन है ऑन डिसेबल्ड, ऑन डिसेबल जी 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 ऑन डिसेबल डिबग डॉट लॉग, इसको मैं डिसेबल का नाम दे देता हूँ। अभी अगर हम प्ले करें तो ऑन डिसेबल वाला फंक्शन कॉल नहीं होगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि कोई गेम ऑब्जेक्ट डिसेबल नहीं हुआ है। जब इसको मैं डिसेबल करूंगा तो वो डिसेबल्ड वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर से इनेबल करूंगा तो इनेबल्ड, फिर से डिसेबल करूंगा तो डिसेबल। अच्छा ऑन इनेबल, अगर बाय डिफॉल्ट आपका गेम ऑब्जेक्ट ऑन है तो ऑन इनेबल स्टार्ट कॉल हो जाएगा। अभी ऑन इनेबल फर्स्ट कॉल होगा कि स्टार्ट कॉल होगा कि अवेक कॉल होगा। सबसे हाई प्रायोरिटी जो होती है वो अवेक की होती है, उसके बाद ऑन इनेबल, फिर उसके बाद स्टार्ट, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिंक मैं शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपका अवेक फंक्शन कॉल होता है, फिर उसके बाद आपका ऑन इनेबल, फिर स्टार्ट, ये फंक्शन अभी हमने नहीं पढ़े रिसेट का, फिर फिक्स्ड अपडेट, ठीक है, ये फंक्शन हमने पढ़ा है, अपडेट, फिर उसके बाद लेट अपडेट फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, ये कुछ फंक्शंस हमने नहीं पढ़े, फिर ऑन डिसेबल की प्रायोरिटी सबसे लो है, ठीक है। तो ये फंक्शंस का एग्जीक्यूशन ऑर्डर है। अच्छा अभी थोड़ा सा हम सिंटैक्स देख लेते हैं सी शार्प का, कि सी शार्प के अंदर आप कोई वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और इसकी वैल्यू कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे हम वेरिएबल, फॉर एग्जांपल मैं इंटीजर डिक्लेयर करूँ, इंटीजर एक्स, अभी एक्स को मैं वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज करूँगा, यहीं से डायरेक्ट भी आप इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है, और या इसकी वैल्यू अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं और यहाँ पे अगर आप प्रिंट लिखते हैं x, तो ये आप यहाँ पे प्रिंट नहीं कर पाएंगे, ये आपको एरर देगा, ठीक है। इसको प्रिंट करने के लिए आपको इस मतलब स्टेटमेंट को किसी फंक्शन के अंदर डालना होता है, और वो फंक्शन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी फ़िलहाल यूज़ करूँ void start, मतलब जो स्टार्ट फंक्शन है बाई डिफ़ॉल्ट वो मैं यूज़ करता हूँ। इसको मैं प्रिंट कैसे कर सकता हूँ, डिबग डॉट लॉग प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं या डिबग डॉट लॉग मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ। तो डिबग डॉट लॉग आप यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ एक्स इज एक्स, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये क्या मुझे रिटर्न करेगा, यही x की वैल्यू, x को जो हमने ज़ीरो असाइन किया है वो हमें दे देगा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज़ ज़ीरो। इसको कोई और वैल्यू भी आप असाइन कर सकते हैं, वो भी आप प्रिंट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे फ्लोट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी डिफ़ाइन कर सकते हैं,
कोई भी डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं। सर ये प्लस ये अच्छा ये सिंटैक्स में है, फॉर एग्जांपल यही चीज मैं सी प्लस प्लस में लिखूं तो हम ऐसे लिखेंगे इसको सी आउट। अभी तो इसके अंदर सी आउट सपोर्ट नहीं होता, लेकिन सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ कि यही चीज आप सी प्लस प्लस में कैसे लिखते थे, और फिर आप ये चीज डालते थे। तो इसको मतलब कंकेटिनेशन के लिए हमने यहाँ पे ये चीज यूज किया है, पहले हम वो यूज करते थे सी प्लस प्लस के अंदर, ठीक है। तो सिंटैक्स इसका ये होता है। अच्छा एक और चीज, पहले मैंने बताया था कि हम ये जो भी क्लास डिफाइन करते हैं, जो भी स्क्रिप्ट हम क्रिएट करते हैं, वो मानव बिहेवियर से डिराइव हो जाता है। तो चूंकि ये एक क्लास है तो क्लास के कुछ मेंबर्स प्राइवेट होते हैं, कुछ मेंबर्स उसके पब्लिक, कुछ प्रोटेक्टेड। प्राइवेट पब्लिक और प्रोटेक्टेड में क्या डिफरेंस होता था? पब्लिक जो मेंबर होते थे, जो पब्लिक आप डिक्लेयर करते हैं, वो क्लास के वेरिएबल फिर आप किसी दूसरे क्लास से भी एक्सेस कर सकते थे। मतलब क्लास से मुराद यहाँ पे स्क्रिप्ट है। मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ पब्लिक डिक्लेयर करूँ तो वो आप दूसरे स्क्रिप्ट से भी वो वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मैं वो कर दूँ, प्राइवेट कर दूँ, तो फिर आप वो दूसरे क्लास से वो वैल्यू एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश मतलब अगर आप वेरिएबल्स को पब्लिक डिक्लेयर करेंगे तो वो फिर आप दूसरे स्क्रिप्ट से भी एक्सेस कर पाएंगे, अगर आप वैल्यूज को प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा यहाँ पे हम पब्लिक कैसे डिफाइन करते हैं, प्राइवेट कैसे डिफाइन करते हैं? जो बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट ही होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं साथ में लिख दूँ पब्लिक, तो अभी ये वेरिएबल पब्लिक बन जाएगा। अच्छा यूनिटी के अंदर जो भी वेरिएबल आप पब्लिक डिफाइन करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे इंस्पेक्टर में एक बॉक्स सा बन जाता है, ठीक है। और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं 20 वैल्यू दे दूँ तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू 20 देगा। अभी द वैल्यू ऑफ एक्स इज 20, ठीक है। तो यहाँ से भी आप उसको वैल्यू दे सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। या अगर मैं इसको स्टार्ट के अंदर चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो अभी ये क्या प्रिंट करेगा? चूंकि मैंने इनिशियलाइज यहाँ से हमने सिर्फ इनिशियलाइज किया है और स्टार्ट के अंदर फिर मैंने वो वैल्यू ओवरराइट कर दी, तो अभी ये क्या करेगा? वो 2 प्रिंट करेगा। तो यहाँ से आप सिर्फ इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये देखिए ये भी रिप्लेस हो गया। यहाँ से आप सिर्फ वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, और मतलब अगर आप क्लास के अंदर वो वैल्यू चेंज करेंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से आप स्ट्रिंग अगर कोई डिफाइन करें पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है, और यहाँ पे मैं वो नेम प्रिंट करूँ, तो अभी नेम को मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया तो ये मुझे एम्प्टी मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ द वैल्यू ऑफ एक्स इज वो प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ से इसको इनिशियलाइज कर दूँ, ठीक है, ये मैंने दे दिया फॉर एग्जांपल, और इसको हम प्रिंट करें तो ठीक है, वो मतलब इस तरीके से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको वैल्यू आप दे सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? सिंटैक्स की समझ नहीं आई तो पूछ सकते हैं, या और फंक्शंस की? तो बस यहाँ तक काफ़ी था मेरे ख्याल, ठीक है।